एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज थी जहां पर बताया जा रहा था कि एक रामायण और बन रही है आदि पुरुष के अलावा, जहां पर रणबीर कपूर जो है वो होने वाले हैं प्रभु श्री राम, आलिया भट्ट होने वाली है माता सीता। अब लक्ष्मण अभी तक श्योर नहीं थे और जो करेक्टर था रावण का वो होने वाले थे ऋतिक रोशन, लेकिन खबर ये आई है कि ऋतिक रोशन अब इस कास्ट से चले गए हैं और उनके बाद जो इस कास्ट को ज्वाइन कर रहे हैं वो है मिस्टर यश। लेकिन आलिया भट्ट ने किया, कैसे क्या हुआ, करीब करीब 4 या 5 दिन की इस अपडेट के बाद यश का नाम भी मूवी से वापस ले लिया गया है। हालांकि यश की टीम से इस बारे में अभी तक कोई चर्चा खास हुई नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये हैं कि आलिया भट्ट ने ऐसा किया है। देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं, दो थ्योरीज बन सकती हैं। एक RRR, आलिया भट्ट इज अ बिग एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, भाई हॉलीवुड प्रोजेक्ट भी कर रही है, लेकिन RRR की जो सक्सेस हुई थी उसमें उसका कहीं भी नाम नहीं था, इतने सारे अवार्ड शोज, इंटरनेशनल टूर्स, लेकिन आलिया कहीं नहीं गई ना लेके गए। तो इस मारे आलिया को लग रहा है कि भाई अगर कोई बंदा होगा कन्नड़ा सिनेमा से, तेलुगु से, तमिल से, मलयालम से, उड़िया से, भोजपुरी से, तो वो उनकी लाइमलाइट खा सकता है पूरी की पूरी। एंड भाई बात भी सही है, एक जगह आलिया भट्ट जाए, दूसरी जगह वहीं पहुंच जाए रॉकी भाई, तो यार हल्ला तो रॉकी भाई का ही ज्यादा होगा ना। तो शायद इस चीज को लेकर आलिया भट्ट ने सोचा होगा कि भैया मेहनत तो करेंगे मैं और रणबीर और खा जाएगा सारी यस, तो क्यों ना ही नाम ही वापस लिया जाए। एंड अब देखते हैं यस का इस चीज पर क्या रिएक्शन रहता है। हालांकि यस की टीम ने कुछ नहीं बोला है, बाकी मैं आपको बता दूं यस का जो लुक है भाई परफेक्टली मेड फॉर रावण, भाई मजा आ जाएगा। और जो जान डालेगा ना, क्योंकि हमने सैफ अली खान को देख लिया भाई, उसने हग्गा मार दिया कैरेक्टर करने के नाम पे, लेकिन भाई साहब जो चीज आएगी ना यस के निकल के, मैं कह रहा हूँ रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं भाई, बहुत पावरफुल कैरेक्टर बन के निकलेगा। बाकी कुछ लोगों का कहना था कि लखन के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी का नाम सामने आया, लेकिन वो भी रूमर से निकले, कुछ फाइनल नहीं हुआ। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, अगर रामन आपको मिले कि तुम यार सारा कास्ट डिसाइड करो, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, रावण, मेघनाथ, सब कुछ तुम डिसाइड करो, तुम्हारी क्या कास्ट रहेगी, डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। बाकी मिलता हूँ आपसे, चल तब तक आप सभी को अलविदा।